क्या हो सकता है उसके साथ। अभी भी पता चला है कि किसी का एक्सीडेंट हो गया है। हेलो गाइज, मेरे चैनल पर से एक बार स्वागत है आपका। आज हम लोग जा रहे हैं इसरी फॉल की तरफ, और चलिए यहाँ से हम लोग NH 90 पे अभी हैं और यहाँ से निकलते हैं, देखते हैं कैसा रहता है। टुंडी वाला रास्ता पकड़ना पड़ेगा, ये टुंडी जाती है, इसी साइड इसरी फॉल है। आप रास्ता देख रही है, भागलपुर तक चली जाती है। हम लोग यहाँ से जाना है इसरी फॉल। ओ भैया भाई, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ये जो आप देख रहे सामने सारे ट्रे जो है सारे लड्डू है। हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा, चल। ये होटल होटल में डिलीवर करते होंगे। अरे मात है, यहाँ पे बैरिकेड भी किया हुआ है कि कोई गाड़ी तेज ना ले जाए, क्योंकि साइड बाई साइड क्रॉस करते हैं तो पब्लिक प्लेस है और सिंगल लाइन रोड है, इसके वजह से बैरिकेड किया हुआ है। सिंगल लाइन होने की वजह से थोड़ा खतरनाक जगह है ये रोड, तो बहुत ज़्यादा कॉर्निंग है, जिसके वजह से आराम से ही चलना होगा, अर्थात जंगल इलाका भी है। देख सकते हैं यहाँ का वेदर कैसा है, काफ़ी सुंदर लग रहा है देखने में। आगे देख सकते हैं कितना अच्छा सीन है, पहाड़ है, सामने रोड है, लग रहा है क्या सीन है। और ये देख सकते हैं आप किस तरह से आगे बैठे हुए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे क्या सीन है, मतलब पूरा पहाड़ है, इधर पूरा जंगल। मैं तब से यही कह रहा हूँ कि ये इलाका पूरा जंगल है, रात में कभी भी मत आए बाइक से, खास करके ऐसे तो ये रेट चालू ही रहता होगा, लेकिन फिर भी बाइक से ना आने का ज़्यादा कोशिश करें, इमरजेंसी हो तो बात अलग है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि रोड पे लाइट वगैरह भी नहीं है, आप सामने देख सकते हैं लाइन गया हुआ है, लाइन का पोल गया हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपको ये स्ट्रीट लाइट जिसको बोलते हैं वो नहीं है, स्ट्रीट लाइट यहाँ पे एकदम नहीं है। और यहाँ साफ साफ भी लिखा हुआ है गो स्लो, यहाँ बोर्ड जो सामने देख रहे हैं, और यहाँ जंगली हाथी जो है वो आते हैं, बोर्ड में फिर दोबारा पेंट मार दिया गया, लेकिन देखिए बोर्ड में हाथी का साइन है, वो साफ साफ लिखा हुआ है। निकलना ही होगा, इसका स्पीड 96। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है
फिर भी लेकिन देखिए यहाँ के कौन किया है पता नहीं, बोर्ड को तोड़ दिया गया है बीच से, ऊपर से शायद पेंट नहीं किया हुआ है, हाँ पेंट किया हुआ है। और जितना दूर मैं देख पा रहा हूँ ना, वहाँ तक पूरा जंगल है ये। राइट साइड में भी वही हाल है, ऐसा नहीं कि मैं लेफ्ट साइड में सिर्फ दिखा रहा हूँ, आप राइट साइड भी देख सकते हो। इसलिए लिखा हुआ है एलिफेंट क्रॉसिंग जोन। और यहाँ यहाँ के जो भी है, जो रुके हैं, जो बदमाशी किए हैं, गलत बात है, कोई अगर आता है तो उसको पता तो रहे कम से कम कि ये किस जगह पे है, क्या हो सकता है उसके साथ। उस साइड से काफ़ी स्पीड में आ रही है गाड़ी। अरे भैया तुम खुद ओवरटेक करोगे क्या? अच्छा ये है जेसीबी की वजह से। जेसीबी में भी यही इसरी फॉल है, ट्राई करते हैं, मुझे पता भी नहीं है यहाँ पे। बाबू इसरी फॉल यही है लग रहा है, जैसे जंगलों के बीचों बीच जा रहे हैं हम। इतना कॉर्निंग रहे तो आप कम से कम हॉर्न बता दीजिए ये सब जगह पे खास करके। रोड तो बना हुआ सही है, मेन रोड से जो कटा है इसरी फॉल के लिए रोड, लेकिन यहाँ पे आदमी बहुत कम दिख रहा है। अब ये रीजन पता नहीं जंगल के वजह से या कुछ क्या है पता नहीं है मुझे, लेकिन काफ़ी कम दिख रहे हैं आदमी, मतलब नहीं के बराबर है। ये देख सकते हैं कहाँ है इस डिपो। इसरी फॉल कहाँ है चाचा? आगे सामने देख सकते हैं क्या सीन है, पूरा जंगल पूरा पहाड़, और यहाँ पे ले भी लगता है यही इसरी फॉल है। अभी भी पता चला है कि किसी का एक्सीडेंट हो गया है, हम लोग का ग्रुप आ रहा था इसरी फॉल के पास, अब वहाँ पर हम लोग को रिटर्न होना पड़ेगा। मैंने तो काफ़ी ख़तरनाक सीन हो गया है लगता है।